हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस्कर पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कनाडा। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल स्टडी क्लास 7 का जो चैप्टर है हमारा दिल्ली सुल्तान के बारे में। हमने इससे पहले वीडियो में देख चुका है रूलर्स के बारे में, उनके काल के बारे में, कब से कब तक वो रहे हैं, इनके बाद कौन कौन से आए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको देख चुके हैं और उनके फाइंडिंग सोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कहाँ से आए, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। ठीक है, गैरिसन टाउन टू एम्पायर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि गैरिसन टाउन होता क्या है। ठीक है, गैरिसन टाउन से एम्पायर में कैसे चेंज हुए, उसमें क्या क्या कंसोलिडेशन पावर आया, क्या क्या प्रोसेस हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर जो कि हमारा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक होने वाला है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। राइट, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होता है गैरिसन टाउन होता क्या है। ठीक है, आप सोच सकते हैं ऐसे या फिर सोच ही रहे होंगे गैरिसन टाउन होता क्या है। ठीक है, तो गैरिसन टाउन आप ऐसे समझ सकते हैं, गैरिसन टाउन विच वॉज हाईली फोर्टिफाइड। ठीक है, हाईली फोर्टिफाइड एरिया होता है जहाँ से किंग अपना होता था, रूल करते थे। राइट, मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि ऐसे मान लीजिए आपका ये रूलर हो, किंग हुए। ठीक है, और उनको ऐसे ऐसे पूरा नाकाबंदी करके इसमें अंश के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्टिफाइड। मीन्स फोर्टिफाइड करें मतलब आपको फुल पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह ये एरिया जो होगा, ठीक है, ये किंग के अंडर में होगा। राइट, किंग के अंडर में सारे जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे फोर्टिफाइड। राइट, ऐसे समझ सकते हैं आप कि देखिए हाईली फोर्टिफाइड एंड सोल्डर यूज टू लिव देयर। यहाँ पे क्या होता है, किंग रहेंगे। ठीक है, किंग रहेंगे, जरूरी है, फिक्स है कि यहाँ पे उनके किंग को प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर भी रहेगा। राइट, सोल्जर रहेंगे यहाँ पे, लेकिन सोल्जर रहने के बावजूद भी यहाँ पे क्या होता था, देखिए एट फर्स्ट दे कंट्रोल दिल्ली सुल्तान। ठीक है, वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू गैरिसन, नो मेजर कंट्रोल ऑन हिंटरलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक पॉइंट आता है हमारा हिंटरलैंड। ठीक है, हिंटरलैंड क्या है, ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा किंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे उसके सोल्जर हो गए या फिर हिंटरलैंड है, नाकाबंदी करके यहाँ पे हम लोग रह गए। चलिए ठीक है, ऐसे रह गए। ठीक है, लेकिन इतना में ही तो हमारा इसके इर्द गिर्द भी तो जो साम्राज्य हुआ करता था या फिर जो लोग हुआ करते थे, उसके इन्वेडर हुआ करते थे या फिर जो भी कुछ लोग उनके प्रजा हुआ करते थे, ठीक है, तो यहाँ वो लोग रहा करते थे, यहाँ वो लोग रहा करते थे, तो इन पर जो किंग का था कंट्रोल, इस पर नहीं था। ठीक है, किंग का इस पर कंट्रोल नहीं होने के कारण इसको हिंटरलैंड बोला गया। ठीक है, लेकिन हिंटरलैंड पे कंट्रोल करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहीं से ये लोग, देखिए यहाँ पे द लैंड में एडजेसेंट टू द सिटी। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे किंग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ सोल्जर भी रहते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए, ये हमारा हिंटरलैंड हो गया, क्योंकि ये अंडर नहीं आता है, किंग के अंडर में नहीं आता है। राइट, द लैंड एडजेसेंट टू सिटी और पार्ट ऑफ दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि यहाँ से वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज लिया करते थे। ठीक है, गुड्स सर्विसेज कैसे, मान लीजिए यहाँ से आपको मार्केट लगता है, ठीक है, तो यहाँ पल्सेस हुआ, स्पाइसेस हुआ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के गुड्स हुए, तो यहीं से वो लोग ट्रांसपोर्ट होकर गैरिसन टाउन में जाते थे। ठीक है, गैरिसन टाउन आप समझ लीजिए किंग का एक ऐसा किला हुआ करता था जिसमें वो लोग जाकर अपने आप को सेफ फील करते थे, वहाँ पर रहा करते थे। राइट, अब देखिए बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम क्या था, मेन प्रॉब्लम यहाँ से था, हिंटरलैंड से। ठीक है, हिंटरलैंड क्या था कि वो किंग के अंडर में नहीं आते थे। ठीक है, हिंटरलैंड किंग के अंडर में नहीं आते थे, वो किंग से फ्री थे, फ्री फ्रॉम रूलर या फ्री फ्रॉम एनी किंग या फिर सोल्जर, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो किंग से फ्री होने के कारण उनका मेन मोटो ये था कि जो ऐसा किंग करते थे तो वो टैक्स नहीं देते थे या फिर उनको ट्रिब्यूट नहीं देते थे। ठीक है, उनके अंडर में नहीं रहते थे तो उनसे डर के मारे कुछ जो टैक्स होता था वो सारे चीज़ें नहीं दिया करते थे, जिससे किंग को बहुत ही नुकसान होता था। तो किंग सोचे और सोल्जर और मंत्री जो भी कुछ उनके इर्द गिर्द रहे हैं, क्यों ना हम हिंटरलैंड को ही अपने अंडर में कर लें, हिंटरलैंड को अपने अंडर में कर लेंगे तो उससे जो भी कुछ प्रॉफिट है वो भी इनकम होगा, हमको टैक्सेस भी मिलेंगे, और जो भी रूलर है वो रिबेलियन नहीं, मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो रिबेल नहीं करेंगे, हमको मेरे अपोजिट नहीं जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम भी था, कोई मान लीजिए किसी को आपको फ्रीडम किसी को दिखा दिए हैं, उसको फ्रीडम में रहना पसंद है, वो जान चुका कि फ्रीडम कैसा होता है, और फिर उसको आप एक तरह से कैदी बनाएगा तो वो तो अपोनेंट करेगा ना, अपोज करेगा उस चीज़ को कि नहीं हमको फ्री ही रहना है।
वही यहाँ पे बता रहा है बट देर वॉज अ प्रॉब्लम इन दैट, बोला कि इसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारे बातों की थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम द दिल्ली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये जो देखिए यहाँ बता रहा है कंट्रोलिंग गैरिसन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध, बंगाल और सिंध के बाद जो दिल्ली जो था वो बहुत ही क्या था, डिफिकल्ट था उसको कब्जा करना, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर कब्जा करना बहुत ही डिफिकल्ट था, इजिली उसको हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या होता था कि मान लीजिए इसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, मीन्स इस हिंटरलैंड को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो रूलर के अंडर में नहीं आएंगे। जो भी रूलर से स्पाइसेस होगा, पल्सेस होगा, या फिर जो भी गुड्स वो लोग रखेंगे उगाएंगे, वो टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट को फीड नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट तो उस समय हुआ नहीं करता था, रूलर को वो लोग फीड नहीं करेंगे, फिर रूलर सोल्जर को नहीं दे पाएगा, ऐसे बहुत ही नुकसान हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज हिंटरलैंड को अपने अंडर में करने में, देखिए यहाँ पे पहला तो वार, ठीक है। जो भी मान लीजिए अदर अपोनेंट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेना, या फिर ऐसे समझिए यहाँ से कोई अदर आपका अपोनेंट यहाँ सेना आ रहा है, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पर आ रहा है कोई भी पर्सन आक्रमण करने के लिए, ठीक है। आक्रमण करने के लिए कोई पर्सन आ रहा है तो पहले वो गैरिसन यहाँ पे जाएगा हिंटरलैंड के पास, क्योंकि हिंटरलैंड क्या गैरिसन टाउन से अलग रहता था। तो हिंटरलैंड के पास जाएगा तो पहले वो लोग हिंटरलैंड पर अटैक करेगा, ठीक है। और उसी समय एट द पॉइंट ऑफ टाइम, मान लीजिए कुछ समय पहले ही गैरिसन टाउन के लोग यहाँ पे आए हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया, देखिए दिल्ली सुल्तान वाज डिपेंड ऑन ट्रेड ट्रिब्यूट एंड प्लंडर, ठीक है। ये क्या करते थे कि दिल्ली जो गैरिसन टाउन में जो लोग रहते थे, रूलर रहते थे, वो किस पे डिपेंडेंट होते थे, हिंटरलैंड पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि वहां से उन लोगों का ट्रेड होता था, ठीक है। ट्रेड होता था, ट्रिब्यूट होता था, ट्रेड मीन्स वहां से वो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सामान करते थे, लेकर अंदर जाकर बैठकर आराम से इजिली रह के अपना सेटलमेंट करते थे, ठीक है। यहां से वो लोग आपका ट्रिब्यूट मीन्स कोई उनसे डरता है तो वो ट्रिब्यूट दे दिया कि चलो, मान लीजिए थोड़ा पॉलिटिक्स दिमाग का हो रहा है, उसके बाद बोला सोचा कि चलिए ठीक है, कुछ हमको प्रोटेक्शन चाहिए, तो गैरिसन टाउन के लोग वेल्दी हैं, स्ट्रांगेस्ट हैं, तो उनको हम लोग को अपने अंडर में और अच्छे संबंध बना कर रखेंगे तो हमको प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह से वो लोग को एक ट्रिब्यूट दे जाता था, ठीक है। ये प्लंडर, ठीक है, प्लंडर क्या होता है, मान लीजिए जो कोई भी उनको नहीं देता था, ठीक है, जो भी कोई भी उनसे ट्रेड नहीं करता था या फिर ट्रिब्यूट नहीं देता था तो वो उसको लूट पाट लेते थे, ठीक है। 10 सैनिक मिलकर गए, एक दुकान को लूट लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से करते थे। तो मान लीजिए उस समय जब वो कुछ दिन पहले, 10 या 12 दिन, कुछ दिन पहले या फिर कुछ घंटों पहले ही, जब ये गैरिसन टाउन के लोग यहाँ से ट्रेड ना होते हुए वहां से प्लंडर किए, मीन्स कोई सामान लूट लिया, ठीक है। जब वो कोई सामान यहाँ से लूटेंगे और उसी समय कोई दूसरा राजा चाहेगा कि हम ये गैरिसन टाउन पर अटैक करने के लिए, तो वो क्या होगा, ये रिबेल हो जाएंगे, ठीक है। गैरिसन टाउन के बाहर जो हिंटरलैंड के लोग रहेंगे वो रिबेल हो जाएंगे, वो इस रूलर से मिल जाएंगे, ठीक है। इस रूलर के पास यानी सेकंड रूलर के पास थोड़ा सा दिमाग होगा तो वो अपने आप में मिला लेगा इन लोगों को और फिर से अटैक कर देगा गैरिसन टाउन के पास, ठीक है। गैरिसन टाउन पर अटैक कर देगा जिससे वो लोग इजिली, गैरिसन टाउन के सारे लोग हताशा हो जाएंगे, यानी कि हार जाएंगे, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम था वार में, ठीक है। रिबेल बाय द लोकल एंड गवर्नर, ठीक है, रिबेल हो जाएंगे यहाँ के जब लोग, जब रिबेल हो जाएंगे तो वो राजा का सुनेंगे नहीं, ठीक है, नहीं सुनेंगे, तो जितना भी आप फोर्टिफाइड कर लीजिए कोई असर होने नहीं वाला है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस वो आपको हरा ही देंगे, ठीक है। क्योंकि उनके सेकंड राजा के पास बहुत सारे सेना भी होगा, हिंटरलैंड के पास लोग भी होंगे, वो सारे जब एक साथ मिल जाएंगे तो आप छोटा सा किला बना के कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। बैड वेदर कंडीशन कुड डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, ठीक है। मान लीजिए आपका ये, आप यहाँ के राजा हैं, ठीक है, यहाँ से फोर्टिफाइड किए हुए हैं और आप एक राजा यहाँ पे हैं, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पे आप एक ऐसे, एक फर्स्ट राजा ये हुए, ये सेकंड जो अटैक करेगा और ये थर्ड, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप फर्स्ट किंग ये रहे, सेकंड किंग तो इन पर अटैकिंग करेगा, थर्ड किंग से इनका संबंध अच्छा है, ठीक है, थर्ड किंग से इनका संबंध अच्छा है, तो ये मान लीजिए इनका फ्रेंड ही है, यहाँ पे हेल्प के लिए मांगेंगे, ठीक है, हेल्प मांगे कि आम हमको प्रोटेक्ट करो, बचाओ, ठीक है। तो लेकिन जब तक ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब तक ये यहाँ से कम्युनिकेशन यहाँ भेजेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लोकल गवर्नर जो है रिबेल हो जाएंगे, यहाँ के लोग जब रिबेल हो जाएंगे, ठीक है, रिबेल जब हो जाएंगे तो यहाँ से मैसेज यहाँ पहुँचने ही नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ से मैसेज जब यहाँ पहुँचेगा ही नहीं तो ये जाके इसको हेल्प करेगा नहीं, तब तो ये तो इजिली इसको गिरा देगा, मीन्स वहाँ पर अटैक करके आसानी से उसको हरा सकता है, ठीक है, आसानी से इसको हरा सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम था।
बैड वेदर कंडीशन को डिस्टर्ब कौन कर सकते। हाँ मान लीजिए बैड वेदर है, ठीक है, जब वार हुआ तो ही प्रॉब्लम है, बैड वेदर है तो ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंच नहीं सकते हैं, आप किसी का हेल्प नहीं मांग सकते हैं। मान लीजिए इतने, मान लीजिए यहाँ पे 500 या फिर 1000 सेना है, ये 5000 लेके आ गया, 10000 इधर भी है हंटर गैदर में भी, ठीक है, क्योंकि लोग से ही तो सेना बनती है। एक एक लोग को भी अपने सामने दे दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ के प्लंडरिंग करके ये लोग लेकर चले गए, वो लोग तो अपने आक्रोश में आ जाएंगे कि ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं, ठीक है, सारा चीज हमारे लूट के ले गए, चलो इसको क्यों ना हम मार के ही मरे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिवेल हो जाते थे वार में, ये सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी। बैड वेदर तो समझे, कम्युनिकेशन हो जाएगा। मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है, ये पॉइंट आपको है, इसमें इसके बारे में हम लोग और न्यू लेक्चर में पढ़ेंगे, मैंने इसी स्लाइड में न्यू लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग मंगोल इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। मंगोल इन्वेंशन के बारे में ऐसे समझिए कि ये एक चाइना के ट्राइब्स थे, ठीक है, ट्राइब्स के बारे में ये सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ी गई है, ठीक है, मीन्स इस पॉइंट में बताई गई है, ठीक है। तो ये सारे मेन मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, ये गैरिसन टाउन टू एम्पायर, गैरिसन टाउन से एम्पायर में कैसे परिवर्तित हुआ, ये सारी बातें, ठीक है, क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज है, डिफिकल्टीज मेनली यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी देखें, और वहां से डिपेंड थे ये, मीन्स हंटर लैंड जो थे वो डिपेंड होते थे ट्रेड पर, ट्रिब्यूट पर एंड प्लंडरिंग पर, ठीक है। देखिए तो कंसोलिडेशन यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कंसोलिडेट जब तक नहीं होगा, मैंने वहां से जब तक इस तरह कहिए, समझिए, जब तक मान लीजिए फर्स्ट किंग हिंटरलैंड को जब तक अपने आप में कब्जा नहीं कर लेता है, जब तक वो कब्जा नहीं करता है या फिर उसको अपने अंडर में जब तक नहीं करता है, तब तक उसका सारे वार में प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन सारे चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले जरूरी हो गया था कि उसको कंसोलिडेट करें, मीन्स अपने आप में मर्ज करें, ठीक है, उसको अपने अंडर में करें, रूलर को अंडर में करें, मैंने हिंटरलैंड को सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया था कि किंग उसको अपने अंडर में कर ले, ठीक है। तो अपने अंडर में उसको कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट था कि वहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है, सोर्सेस बहुत सारे मिलते थे, सोर्सेस करने मतलब कि स्पाइसेस पल्सेस जो भी यूटेंसिल्स हुआ करते थे, डेली नीड्स का चीज़ हुआ करता था, वो सारे चीज़ हुआ करते थे। जैसे कोई कोई तो ट्रिब्यूट देकर चला जाता था या फिर वहाँ से इम्पोर्ट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब ये लोग प्लंडरिंग करते थे तब वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा प्रीसियस चीज़ भी होता था कि जो लोग ये लोग उठा के चले जाते थे, उसका कोई भी पैसा या फिर टैक्स कुछ नहीं दिया करते थे, ठीक है। तो इससे वो लोग रिवेल हो जाते थे, वार में प्रॉब्लम हो जाता था, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता था। तो अब न्यू ऐसा सोचा रूलर और उनके मंत्री सोचे कि ये इसको क्यों ना अपने अंडर में हम लोग कर लें, कंसोलिडेट कर लें, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया है। ये जो स्टार्ट हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ कंसोलिडेशन का, ठीक है, किसी में भी देखिएगा, ठीक है, ये आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं या फिर किंग रूलर्स के जमाने में देख सकते हैं कि ऊपर से जो लोग कुछ, जैसे कि मान लीजिए ऊपर से नीचे में रजिया सुल्तान आई, ठीक है, उसके ऊपर कुछ है, ऊपर कुछ है, ठीक है, तो ऊपर वाले जितने भी लोग होते हैं वो उसको अपने अंडर में करते हैं, ठीक है, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। और जो उसके नीचे वाले जो होते हैं, मीन्स की दादा हुए, फिर पिताजी हुए, फिर उसके सन हुआ, ठीक है, यानी जो ही हम लोग ऐसे करते थे पोता हुआ, ठीक है, तो दादा और सन जो होता है मान उनके पिताजी हुए, मान लीजिए देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। देखिए क्या होता था कि ये जो होता था ये हमेशा अटैक करता था किसी पर, ठीक है, अटैक करके पूरी तरह उसको नस्ते नाबूद कर देता था, ध्वस्त कर देता था, राइट। ये जो होता था क्या होता, उसको अपने अंडर में करता था, और ये जो होता थर्ड पर्सन जो होता था, जो लास्ट में आता था, वो उसको कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, मीन्स उसको मर्ज करेगा अपने में, राइट। देखिए यही सारी बातें यहाँ पर हो रही है कि कंसोलिडेशन जब जरूरी है तो कंसोलिडेशन हम लोग कैसे करेंगे, राइट। देखिए कंसोलिडेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ऑल स्टार्ट अगेन ड्यूरिंग ग्यासुद्दीन बलबन से ये स्टार्ट हुआ था कंसोलिडेशन, ग्यासुद्दीन बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यहाँ मोहम्मद तुगलक तक पूरी तरह से कंसोलिडेशन मीन्स सभी को समझ में आने लगा, और सभी लोग अपने इर्द गिर्द यानी कि फ्रंटियर के इर्द गिर्द जो थे, जो भी हिंटरलैंड थे, उसको अपने अंडर में करने का स्टार्ट कर दिया या फिर करने लगे, ऐसा समझ सकते हैं। तो अब बात आता है कि जब वो लोग कंसोलिडेशन पावर स्टार्ट किए, कंसोलिडेट करना स्टार्ट किए, तो पहले अपने इर्द गिर्द जो लोग थे उसको अपने अंडर में करने लगे, ठीक है। ये भी ये तो हम लोग समझ लिए कि ये जो स्टार्ट हुआ था ग्यासुद्दीन बलबन से, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये भी जो भी कंसोलिडेशन का बात आया वो भी दो तरह से होता था, ठीक है। पहला इंटरनल फ्रंटियर,
और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर और इंटरनल फ्रंटियर क्या है, तो ऐसे समझते हैं। इंटरनल फ्रंटियर क्या है, तो एरिया बिटवीन गैरिसन टाउन, ठीक है। गैरिसन टाउन देखिए, मान लीजिए एरिया बिटवीन, मान लीजिए आपका एक गैरिसन टाउन यहाँ है, ऐसा मान लीजिए, और एक गैरिसन टाउन यहाँ है, ये थोड़ा वेल्दी गैरिसन टाउन है या फिर ज्यादा है, ऐसा समझ सकते हैं। और इन दोनों का जो बीच का ये जो पॉइंट हुआ, ठीक है, ये जो जगह हुआ, ऐसे आप समझिए, ये जो प्लेस हुआ, ठीक है, ये जो जो ब्लू वाला पार्ट ये जो दिखा रहे हैं, ये हमारा हो गया एरिया बिटवीन टू गैरिसन पॉइंट। ये और इसके बीच का ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पार्ट हुआ, उसको बोलेंगे एरिया बिटवीन टू गैरिसन पॉइंट। तो इसको ये जो हिंटरलैंड होता था, इसको ये लोग अपने आप में कंसोलिडेट करना पहले स्टार्ट किया, ठीक है। पहले इसलिए इसको कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को मैसेज पहुंचाना है, जब भी वार होता है या फिर किसी चीज के लिए, तो ये क्या होगा, बीच में ये जो लोग होते थे ये इसको नहीं जाने देते थे, ठीक है। तो जब ये लोग इसके अंडर में हो जाएंगे या फिर ये इसके अंडर में हो जाएंगे, ये दोनों एक ही किंग के अंदर गैरिसन पॉइंट आता है, ये लोग इजिली क्या हो सकता है कि अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। इससे ये फायदा होगा, इजिली एक दूसरे को मैसेज पहुंचा पाएंगे और इसमें कोई बाधा नहीं होगा। इनका ये यहाँ के जो लोग होंगे वो आर्मी का भी काम करेंगे, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग ये लोग कैसे इसको गैरिसन पॉइंट को या फिर रूलर्स को कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फिर आगे इसमें बता रहा है, देखिए और भी क्या बता रहा है गैरिसन पॉइंट के बारे में और या फिर इंटरनल फ्रंटियर के बाद में। अंडर दिस सल्तनत एम टू कंसोलिडेट दिस हिंटरलैंड फॉर द गैरिसन टाउन, बोला कि यहाँ पे मेन पहले मोटो हो गया कि गैरिसन पॉइंट को कैसे एक्सपेंड किया जाए और हिंटरलैंड को कब से अपने आप में अपने अंडर में किया जाए, ठीक है। तो अपने अंडर में करेंगे तभी ये गैरिसन पॉइंट एक्सपेंड होगा। टू गैरिसन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको अपने अंडर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ विल दिस हैपन, ये होगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आता कि कैसे ये होगा, ये जो हमारा कंसोलिडेशन का बात हुआ वो कैसे कम्प्लीटली होगा, और ये सारी बातें जो हो रही इंटरनल फ्रंटियर में, ठीक है। इंटरनल फ्रंटियर में ये सारी बातें कैसे होंगी, देखिए द फॉरेस्ट वेयर क्लीन इन द गंगा यमुना डोम, ठीक है। डोम में ऐसे समझ सकते हैं, गंगा यमुना मान लीजिए आपको ऐसे एक नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक नदी बह रही है, नदी के किनारे का ये जो पार्ट हुआ, ठीक है, नदी के किनारे का ये वाला जो पार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि नदी किनारे ये जो पार्ट हुआ, ठीक है, ये आपका नदी हो गया गंगा यमुना, इसके किनारे किनारे ये जो पार्ट हुआ ना, इसी को हम लोग बोलेंगे डो, ठीक है। नदी किनारे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो फॉरेस्ट वर क्लीन इन गंगा यमुना डोब, नदी है तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे ऐसे, ठीक है, पेड़ पौधा ऐसे लगा हुआ करता था, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधा लगा हुआ करते थे, फिगर आप थोड़ा ऐसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुआ करती थी, तो फॉरेस्ट को क्लीन किया गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट को क्लीन करने से क्या फायदा हुआ किंग को, या फिर जो भी हंटर गैदर थे वहां से चले गए दूसरी जगह, ठीक है, क्योंकि वही लोग मान लीजिए यहाँ से आप जब भी पास कीजिएगा, यहाँ से जब भी किंग कोई पास करता था या फिर यहाँ से किंग जब भी कोई पास करता था, तो वो लोग क्या करते थे, हंटर गैदर वहां पर अटैक कर देते थे, उसको लूट पाट लेते थे, ठीक है। किंग को भी कभी कभी नुकसान पहुंचाते थे या फिर उसके सामानों को लूट लेते थे, उसको ज्वेलरी को लूट लेते थे, तो ये सारे प्रॉब्लम हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट क्लीन करने से किंग को ये फायदा हुआ कि जो भी हंटर लोग थे वहां से हट के दूसरे जगह चले गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये सारे लोग यहाँ पे जो भी लोग हुआ करते थे इस पार्ट में फॉरेस्ट में वो लोग लुक छुप कर रहते थे स्पाई बनकर, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब ये लोग चले गए तो ऐसे किंग को भी बेनिफिट हुआ और उनको एक लैंड भी मिल गया फॉरेस्ट क्लीन करने से, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि वो लैंड मिल गया तो वो हंटर लैंड के जो लोग हुआ करते थे उनको दे देंगे, ठीक है। यहाँ से तो आप सही सोचे हैं, हंटर लैंड के जो लोग हुआ करते थे वो भी अपने अंडर में, उनको अपने अंडर में कर लिए, ठीक है। करने में जो हंटर लैंड के लोग जो हुए वो भी फ्रंटियर के अंदर में आ गए, वो भी उसके पीपल हो गए, ठीक है। लेकिन हंटर गैदर पेस्टोरिस्ट एक्सपेल फ्रॉम, ठीक है, ये तो वहां से दूर चले गए, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो जो यहाँ का लैंड मिला, ठीक है, लैंड मिला तो वो पीजेंट्स को दे दिए, तब के लिए तो फ्री में दे देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का। वो लोग फ्री में नहीं दिए, बहुत तेज थे, बहुत ज्यादा इतना तेज थे कि वहां पहले देखो किस तरह वो लोग एक तीर से बहुत सारा निशाना कर लिए, ठीक है। फॉरेस्ट क्लीन किए, राजा को या फिर यहाँ के सोल्जर को आने जाने का सुविधा होने लगा, ठीक है, कोई उनको रुकावट नहीं है, ठीक है। यदि दूर से कोई तीर भी मारता है तो वो लोग देख सकते हैं, या फिर कोई आक्रमण करता है तो भी देख सकते हैं, ठीक है, पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ कि उनको लैंड मिल गया, ठीक है, लैंड मिल गया तो वो पीजेंट्स को दे दिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पीजेंट्स खुश हो गया कि ठीक है किंग हमको लैंड दिए, सोल्जर हमको देख रेख कर रहा है, ठीक है। तो लैंड दे दिया, लैंड से वो लोग फिर टैक्स लेने लगे,
ठीक है। तो लैंड से वो लोग टैक्स लेने लगे, जो भी पीजेंट्स हुआ करते थे, तो ऐसे थोड़े ना दे देंगे उसको, वो बहुत तेज थे, इतना तेज थे कि उससे लैंड दिए और उससे टैक्स भी लिए, तो इन सारे उनको बेनिफिट हुआ ये गंगा यमुना डूब के फॉरेस्ट को क्लीन करने से, राइट। तो ये सारी बातें हमारे जो थी वो इंटरनल फ्रंटियर के बारे में थी, ठीक है। इंटरनल फ्रंटियर का आप अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये सारा जो कंसोलिडेशन पावर था, जो अभी आपसे कोई पूछे कब से स्टार्ट हुआ, तो आप बोल सकते हैं गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, वहां से स्टार्ट हुआ। इसको दो पार्ट में कंसोलिडेट किया गया, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। इंटरनल में हमारा ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, और एक्सटर्नल लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए तो बच्चों, इंटरनल फ्रंटियर का हम लोग अभी ने जाना, ठीक है। अभी पढ़ते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रंटियर के बारे में क्या है, एक्सटर्नल फ्रंटियर लैंड अपार्ट फ्रॉम द सल्तनत विच वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान्स, ठीक है, जो कि सुल्तान्स के अंडर में नहीं आते थे, मीन सुल्तान के फ्रंटियर के इर्द गिर्द नहीं आते थे, फार अवे फ्रॉम द फ्रंटियर आते थे, तब उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर। क्योंकि मान लीजिए उसके इर्द गिर्द तो वो लोग कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन उसके दूर दूर तक जब तक वो कवर नहीं कर पाएंगे तो उनका क्या, हम लोग पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है। मीन्स गैरिसन टाउन से एम्पायर में कैसे उसको चेंज किया जाए। गैरिसन टाउन आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा सा एक मोहल्ला, यानी कि मोहल्ला से उनको पूरा शहर बसाना है, तो शहर बसाना है तो छोटे छोटे मोहल्ला बहुत सारे इकट्ठा करें तब तो उनका शहर बसेगा, तब ना वो अपना एम्पायर बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर के बारे में हम लोग सुने हैं, समझे हैं, तो ये सब सारे चीज को एम्पायर के बारे में जाने हैं, समझे हैं, हम लोग पहले बहुत सारे एम्पायर के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे धीरे धीरे एक्सपेंडेशन हुआ, तो उसको अपने अंडर में, इंटरनल फ्रंटियर को अपने अंडर में किए, फिर एक्सटर्नल फ्रंटियर को अपने अंडर में किए, तब ना जाकर उनका धीरे धीरे बहुत सारा वर्चस्व बना और वो अपना एम्पायर डेवलप किए, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है। उसमें देखिए एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या है, तो जो किंग के या फिर फ्रंटियर के अंदर नहीं आता था, रूलर्स के अंदर में नहीं आता था, ठीक है, उसको एक्सटर्नल फ्रंटियर कहते थे, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रंटियर को अपने अंडर वो लोग कैसे किए, देखिए मिलिट्री एक्सपेंडेशन से, ठीक है, मिलिट्री द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया, कोई कोई अपने से उनके मध्यस्थ हो गया, इनके उनको अपने बोला कि ठीक है हम आपके शरणार्थी बन गया, तो चलो ठीक है वो उनके अंडर में रह गया, ठीक है। लेकिन जो उनके अंडर में नहीं आया, वो अपने से उनका शरण नहीं लिया, तो वो उसको क्या करते थे, मिलिट्री फोर्सफुली उसको अपने अंडर में कर लेते थे, ठीक है। ये सारी जो बातें होती थी साउदर्न पार्ट तक चली गई थी, ठीक है। अभी तक हम लोग देहली सल्तनत ऊपर में रहा है, ठीक है, तो ऊपर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, वो धीरे 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 एक्सपेंड करके साउदर्न पार्ट में भी आ रहे थे, ठीक ना। देखिए ये बोला है सुल्तान साउदर्न इंडिया वेर स्टेट अंडर द अलाउद्दीन खिलजी, बोला अलाउद्दीन खिलजी से इनका धीरे धीरे वर्चस्व ये कंसोलिडेशन के बारे में होने लगा, ठीक है। फर्दर एक्सटेंड बाय मोहम्मद तुगलक, मैंने मोहम्मद तुगलक तक ये हमारा कंसोलिडेशन का बात चला, ठीक है। कंसोलिडेशन मैंने स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से कंसोलिडेशन का बात स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर को अपने अंडर में करने लगे, अपने किला को वो लोग बढ़ाने लगे, रूलर उससे वो लोग धीरे धीरे एम्पायर में चेंज होने लगे, मीन्स सारे अपने वर्चस्व बनाने लगे, तो ये सारी चीजें होने लगी, ठीक है। सल्तनत आर्मी कैप्चर एलिफेंट, बोला कि सल्तनत आर्मी जब भी फोर्सफुली कहीं भी अटैक करते थे जो उनके अंडर में नहीं आता था, तो उसको क्या करते थे, तो वहाँ के एलिफेंट हुए, हॉर्सेस हुए, स्लेव्स हुए, एलिफेंट आर्मी के लिए इस्तेमाल होता है बहुत सारे पैमाने पर, तो एलिफेंट को वो लोग कैप्चर कर लेते थे, उसका एलिफेंट ले लेते थे, रख लेते थे, तो ऐसे करके वो सारी चीजें कवर कर रहे थे, राइट। तो देखो बच्चों, उसके बाद हॉर्सेस भी हम लोग देखे हैं फिल्मों में, या फिर जब भी पुराने जमाने हम लोग जानते हैं कि हॉर्सेस का इस्तेमाल ज्यादा किया करता था युद्ध के लिए, फिल्मों में ऐसा हम बहुत सारे फिल्मों में हम लोग देखे हैं, ठीक है। आज भी कहीं ना कहीं हॉर्सेस का अच्छा चीज माना जाता है ओकेजनली पे, ठीक है। ये हमारा फिर स्लेव्स हुआ, स्लेव्स को वो लोग अपने अंडर में रखते थे क्योंकि आर्मी के अंडर स्लेव होता था, तो स्लेव आर्मी का सेवा करने के लिए स्लेव को वो लोग अपने अंडर कैप्चर कर लेते थे, क्योंकि स्लेव उनका दवा पानी करे, यदि कहीं से वो युद्ध जीत कर आए तो उनका गोड़ हाथ पैर ऐसे करके दबाए, ठीक है। तो ये सब सेवा करने के लिए स्लेव को भी कैप्चर कर लेते थे, और कभी कभी प्रीसियस मेटल भी, ठीक है, प्रीसियस मेटल स्टोन, ये सारी चीजों को वो लोग कैप्चर किया करते थे, राइट। अब देखिए ये सारी बातें जो होती थी एक्सटर्नल फ्रंटियर के बारे में, ठीक है। इंटरनल फ्रंटियर तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, ये सारी बातें थी एक्सटर्नल फ्रंटियर के बारे में। देखिए एक्सपेंशन स्टोरी ऑफ दिल्ली सुल्तनत ओवर 150 ईयर फ्रॉम खिलजी टू तुगलक, ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो है वो यूं ही नहीं हुए, जो भी हिस्ट्री में कुछ बातें हैं वो ऐसा नहीं अचानक अपने आप ऐसे ज्वालामुखी फटा, वो वहां से लावा निकला, मैग्मा निकला, निकल गया, ऐसा नहीं, बस धीरे 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 एक्सपेंडेशन होते होते ये सारी बातें हुई।
ठीक है। ये सारी बातें जो हुई मोहम्मद तुगलक से लेकर खिलजी तक हमारा 150 साल का ड्यूरेशन रहा, उसके बीच में हुआ, ठीक है। उसमें हम लोग ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़े, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हम उस कंसोलिडेट होकर फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़े हैं। ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग रूलर्स के बारे में डिफरेंट वीडियो में देख चुके हैं। उन सारे चीज़ों के जो भी चेंजेस आई हैं, ये सारे चेंजेस में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते सारी चेंजेस आई है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा ये पॉइंट रहा आज, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, मीन्स हमारा जो भी गैरिसन टाउन होता क्या है इसके बारे में जाने, गैरिसन टाउन से हमारा जो एम्पायर में चेंज होता है इन सब के बारे में भी जाने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।